पिछले दो दिनों से लगातार जम्मू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से डेमोलिशन ड्राइव जो है वो अलग अलग एरियाज़ में चलाई जा रही है और आज उसका दूसरा दिन था और आज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सरकार का पीला पंजा जो है वो लोगों के जो इलीगल इनक्रोचमेंट्स थी उस पर चला और यहाँ पर कई जगह पर हंगामा भी हुआ। लोगों ने एतराज़ जताया और उनका कहना था कि जिस समय ये बिल्डिंग्स बन रही थी, जिस समय यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस समय सरकार कहाँ पर थी। अब इस समय यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो भी एरियाज़ लोगों ने इनक्रोच किए हैं, जो भी एरियाज़ सड़क के जो हैं, फुटपाथ के जो एरियाज़ हैं जो इनक्रोच किए हैं, उस पर इस समय जो है पीला पंजा आप देख सकते हैं वो चलाया जा रहा है और सारी इनक्रोचमेंट्स जो हैं उन्हें हटाया जा रहा है। लोगों ने काफ़ी एतराज़ जताया है। उनका कहना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमेशा यहाँ पर आते हैं और अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, मगर जिस समय ये पूरी बिल्डिंग्स बन रही थी, जिस समय कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस समय ये सरकारी विभाग कहाँ पर थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ शख्स यहाँ पर जो हैं वो एतराज़ जता रहे हैं और पुलिस उन्हें यहाँ पर उठा कर लेके जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि जम्मू में लगातार जिस तरीके से अलग अलग विभाग जो हैं वो अपनी कार्रवाई करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की चिंताएँ जो हैं वो बढ़ गई हैं। मगर जो विभाग है उनका कहना है कि जिस तरीके से इल्लीगल इनक्रोचमेंट्स होती हैं, जो फुटपाथ को कवर किया जाता है, वो इस तरीके की कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में भी करेंगे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी सरकारी ज़मीन पर जो है वो कब्ज़ा करे। सुनो बात यार, ये मैजिस्ट्रेट स्पॉट पे है, मैंने नौकरी किया है सर, आराम से इसी रोड पे किया है, इंक्रोचमेंट तो नहीं हमने बागो, मेरी बात सुनो बिल्कुल ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक है, इंक्रोचमेंट तो नहीं कुछ बिल्कुल नहीं, नौकरी इनको बताया आप डिसाइड करो जी, आप जल्दी डिसाइड करो क्या करना है। तोड़ो खत्म हो गया, खत्म हो गया, तोड़ो आप, तोड़ो खत्म हो गया, आप एक प्रेजेंटेशन दे दो इनके दफ्तर में जाने, खत्म हो गई बात, उसमें सर टाइम ही नहीं देते ये हम। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।